डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज की वीडियो में हम लेवल वन के क्वेश्चन 181 टू 197 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 181। तो यहाँ पर अपने को बोला गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ दिस एल्कीन विल गिव। तो हमारे पास एल्कीन क्या है, CH3CH CH2, इसका ओजोनोलिसिस यदि आप करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना है। तो एक तरफ हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास CH2O बन जाएगा, जिसे आप फॉर्मल्डिहाइड HCHO बोल सकते हैं। और मिडिल में जो कार्बन है उससे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए, यानी कार्बन डाई ऑक्साइड गैस अपने पास मिल जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट अपन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1,2 and 1,4 कॉन्जुगेटेड एडिशन ऑफ HBr ऑन 1,3-butadiene इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट अपने को बताना है। तो 1,3-butadiene का स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस तरह का होता है। HBr का एडिशन यानी H+ का एडिशन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर इनिशियली एक कार्बोकोटाइन बन जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकोटाइन है हमारे पास। यदि इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इसकी एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। अब इन दोनों कार्बोकोटाइन के कोरस्पॉन्डिंग अपन फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो Br- का अटैक कराएगा। तो Br- का यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये Br प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर अपन Br- का अटैक कराएंगे, तब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तब हमारे पास Br यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका नाम अपन लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2,3,4, यानी 3-bromo-but-1-ene, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें 1,2,3,4, यानी 1-bromo-but-2-ene, ये इसका UPAC नेम हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास कौन सा KCP और कौन सा TCP है, तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट हमारे पास ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास KCP होगा, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। और हमारे पास इन दोनों में यदि आप चेक करें तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, TCP। तो इस एल्कीन में अपन देखें तो यहाँ पर एक ही अल्फा एच है, 1 alpha H, बट यहाँ पर हमारे पास चेक करें तो इस एल्कीन में हमारे पास CH2, यहाँ पर CH3, 5 alpha H है। तो मोर स्टेबल एल्कीन हमारे पास ये वाला है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, इसलिए ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने डिसाइड कर लिया। अब अपन स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे कि काइनेटिक प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, 3-bromo-1-butene अराइजेस फ्रॉम द मोर स्टेबल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट से अराइज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, 1-bromo-2-butene इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, अपने पास 1-bromo-2-butene जो है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, सही बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द काइनेटिक प्रोडक्ट इज फेवर्ड बाई कैरिंग आउट द रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कि KCP प्रोडक्ट जो होता है वो अपने पास लो टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है, काफ़ी फास्टर रिएक्शन जो होती है, और यदि जो हाई स्टेबल बनेगा वो हाई टेम्परेचर पे बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स अराइजेज फ्रॉम ए कॉमन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक ही ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक दूसरे के इनसे बन रहे कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमुलेटेड डाइईन, तो अब डाइईन के बारे में आप यदि जाने तो डाइईन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास आइसोलेटेड से क्या मतलब है, वहां पर रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कि इन पाई बॉन्ड्स के बीच में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो आइसोलेटेड का हो गया। कॉन्जुगेटेड में पाई सिंगल पाई इस तरह का अरेंजमेंट हो जहाँ पर रेजोनेंस हो सके, तो ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। क्यूमुलेटेड से मतलब है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट ना होकर लगातार हो, इस तरह से ये होता है क्यूमुलेटेड सिस्टम। ठीक है, यदि ये पाई बॉन्ड नंबर ऑफ सेम इवन आ जाएगा तो ये इवन क्यूमुलिन टाइप से हो जाएगा, और यदि ओड नंबर में हो जाएगा तो ये ओड क्यूमुलिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लगातार पाई बॉन्ड कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए, तो ये हो जाएगा क्यूमुलेटेड डाइईन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमुलेटिव डाइईन, यहाँ पर भी अपने को क्यूमुलेटिव डाइईन ही देखना है, तो यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड लगातार
आ रहे हैं, ये क्यूम्युलेटेड आई एन होगा, इसका नाम भी होता है एलियन। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 185, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डाइईन। तो हमारे पास देखिए स्टेबिलिटी जो देखते हैं अपन, यहाँ पर सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस नहीं है, केवल अल्फा एच होंगे यहाँ पर, ये अल्फा एच और ये अल्फा एच, तो यहाँ पर 2 अल्फा एच हो गए। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर ये 2 अल्फा एच हो गए, ठीक है। बट यहाँ पर ये एलिन सिस्टम है, क्यूमुलेटेड डाइईन है, जो कि लीस्ट स्टेबल होगा। यदि अपन चेक करें प्रीवियस में कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखें इनमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेटेड स्टेबल होते हैं, देन आइसोलेटेड होते हैं डाइईन में, और फिर हमारे पास क्यूमुलेटेड होते हैं। सबसे कम हमारे पास क्यूमुलेटेड डाइईन स्टेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे अपन क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो क्यूमुलेटेड लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल सी और डी यहाँ पर ऑप्शन सेम ही दिए हुए हैं, तो इन दोनों का ही स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, सी बी और डी बी, सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना रखें, ठीक है। नेक्स्ट है 186, 186 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड डाइईन, यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो पाई सिंगल पाई इस तरह से कॉम्बिनेशन हो, बाकी ये तो क्यूमुलेटेड हो जाएगा लगातार, पाई बॉन्ड है यहाँ पर क्यूमुलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों आइसोलेटेड कैटेगरी में आ जाएंगे, ना तो रेजोनेंस हो रहा है ना ही पाई बॉन्ड लगातार आ रहा है, आइसोलेटेड डाइईन, तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 187, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पर देखिए पाई सिंगल पाई रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के अलावा यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस तो हो रहा है, इसके साथ ये अल्फा एच 6 अल्फा एच हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा एच। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, केवल अल्फा एच है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, रेजोनेंस की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो उसके बेसिस पे अपन देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रेजोनेंस फर्स्ट और सेकेंड में हो रहा है, बट अल्फा एच हमारे पास सेकेंड में ज़्यादा है, इसलिए अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि बोलें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास सेकेंड का ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट का, सबसे लास्ट में जाएगा थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल डाइईन। तो लीस्ट स्टेबल डाइईन यहाँ पर देखिए, तो इस ऑप्शन सी को आप गौर से देखिए, तो ये जो रिंग है, इस रिंग में हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बाकी सब हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, और ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल डाइईन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल डाइईन, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल डाइईन देखना है तो आपने को नंबर ऑफ अल्फा एच देख ले, पहले रेजोनेंस चेक कर लेते हैं, तो रेजोनेंस केवल अपने पास इसमें है, बाकी कहीं पर रेजोनेंस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, सॉरी मोस्ट स्टेबल अपने को पूछा है, तो यहाँ पर कहीं पर रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, यहाँ पर ही हो रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 190, 190 में हमारे पास यहाँ पर ये कंपाउंड दिया गया जिसकी HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो ये H+ और ये Cl-, अपने को काइनेटिक प्रोडक्ट बनाना है, यानी कोरस्पोंडिंग टू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो अपने को चेक करना है। तो इस मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है CH3, HCl का H+ अपने को अटैक कराना है, तो ये पाई बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास मोर स्टेबल इंटरमीडिएट टर्सरी कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। टर्सरी कार्बोकोटाइन के बाद में अपन Cl- का अटैक कराएंगे। अब जब Cl- अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये इस तरह से बन जाएगा CH3Cl, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे फिफ्थ कंपाउंड बन रहा है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 191। 191 में हमारे पास यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये अल्कलाइड है और सोडियम ट्राइथर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये कम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, इसके साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, जैसे आप सोडियम ट्राइथर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, हमारे पास कम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसी का यहाँ पर देखें तो ये कम्बिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अपन मिलाप कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए, कायरल कार्बन हो गए, बट यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कॉन्फिग्रेशन अपन देखें तो ये आर आर कॉन्फिग्रेशन हो सकता है, ये एस एस हो सकता है, और यहाँ पर आर एस हो सकता है। यदि आप एस आर करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो केवल यहाँ पर कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स मिल सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स आप बोलेंगे 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट 192 करेंगे तो 192 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हटेगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल आप इस तरह से रखिए, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, इसी का कम्बिनेशन आप, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये पाई बॉन्ड, इस तरह से अब इनका कम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरह से कम्बिनेशन करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसको आप इक्वली डिसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर अपन देखें इस डबल बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग और इस डबल बॉन्ड के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, यानी सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही थी वैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो आप कम्बिनेशन बना लीजिए, यहाँ पे सिस सिस बन सकता है, ट्रांस ट्रांस बन सकता है, और सिस ट्रांस बन सकता है, क्योंकि आप ट्रांस सिस बनाएंगे तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे कॉन्फिग्रेशन में, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 ही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 193। 193 क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि ये एक इस तरह से दिया हुआ है ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है NaH, Na+H- ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये इस डी को ले जाएगा और हमारे पास नेगेटिव चार्ज इस पे छोड़ देगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ ही, ये नेगेटिव यहाँ पर है, ये अब रेजोनेंस कर सकता है, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाएं तो इस तरह से ये रेजोनेंस करेगा नेगेटिव ड्यूटेरियम इस तरह से, और ये नेगेटिव अपन करें तो इस तरह से, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग अपन हर एक का प्रोडक्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए अब हमारे पास क्या है, जो नेगेटिव को हटाने के लिए H2O है, तो H2O से H+ ले लेगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग अपन प्रोडक्ट देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पर H आके जुड़ गया। इसके कोरस्पोंडिंग अपन प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम तो है ही, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे पास ये ड्यूटेरियम है और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से मैच कर रहे हैं, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये बी में दिया हुआ है, यानी तीनों ही स्ट्रक्चर अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, तो अपने को सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर स्टेबिलिटी भी देखें तो सभी के एक जैसी ही है। नेक्स्ट है 194। ट्राई अल्काइल बोरिन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो हमारे पास जो एल्कीन की रिएक्शन आप कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, BH3H2O2OH- की प्रेजेंस में, यानी इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहाँ पर ट्राई अल्काइल बोरिन एज एन इंटरमीडिएट बनता है बाई रिएक्शन विद BH3। तो ये जो ट्राई अल्काइल बोरिन है इसकी फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2OH- के साथ में, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ट्राई अल्काइल बोरिन से अपन एल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 195। ए रिएजेंट यूज टू टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन इन एल्कीन इज, तो एल्कीन के लिए हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी, इसका आप ब्रोमीन वाटर यदि इसमें ऐड करते हैं, ब्रोमीन इन CCl4 जो कि रेड कलर का होता है, तो यहाँ पर टेस्ट क्या होता है इसका रेड कलर का, कि रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर,
ये हमारे पास अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एल्कीन रिएक्ट करके डाइब्रोमाइट का फॉर्मेशन करता है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनसेचुरेशन का टेस्ट हो जाता है। बाकी केसेस में रिएक्शन ही नहीं होगी एल्कीन के साथ में। नेक्स्ट है 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इथाइलिन। इथाइलिन होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HOCl के साथ कराई। तो HOCl अपने पास किससे बनता है, Cl2 विद H2। तो हमारे पास Cl2 अपन यदि पहले ले ले तो इससे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे CH2 है, ये CH2, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे आप H2O का अटैक कराएंगे। अब H2O का अटैक करा दे किसी भी कार्बन पे क्योंकि दोनों तरफ सेम ही अरेंजमेंट है। तो CH2 यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब वापस H2O तो अबंडेंस में अपने पास वाटर, तो H2O यहाँ पर SN2 सब्सटीट्यूशन कर देगा और इस क्लोरीन को ले जाएगा। तो हमारे पास इस कार्बन पर OH और इस कार्बन पर भी OH आके अटैच हो जाएगा, जिसका आप क्या नाम लेते हैं, जनरल नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अपन इथाइलिन ग्लाइकोल प्रिपरेशन के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 197, इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास ग्राफ दिया गया जिसमें एनर्जी और यहाँ पर 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, तो ए स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट एनर्जी का यानी लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। तो अपने को यही चेक करना है। तो नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर 3 अल्फा एच है। यहाँ पर काउंट करें CH3, एक एच यहाँ पर है और एक एच यहाँ पर है, यानी 6 अल्फा एच है। यहाँ पर अपन अब काउंट करें तो एक एच और ये 2 एच यानी 3 अल्फा एच। इसमें काउंट करें तो हमारे पास CH3 CH3 10 अल्फा एच। तो जिसमें सबसे कम अल्फा एच होंगे वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पर कम अल्फा एच वाले सी और ए ऑप्शन है। अब इन दोनों में चेक करना है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। यहाँ पर यदि आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बेनाइन वाली बनेंगी स्ट्रक्चर्स, यानी नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H+ इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बेनाइन वाली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब हाइपर कॉन्जुगेशन आप बनाएंगे तो नेगेटिव इस कार्बन में बन जाएगा, ठीक है, जो कि सेकेंडरी कार्बेनाइन है। तो अपने पास स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, प्राइमरी कार्बेनाइन वाली रेजोनेंट हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी। इसलिए ये ए जो है वो सी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यदि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि यहाँ पे दें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। अब सी और ए में इस कंपेरिजन करें तो ए फिर सी। तो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल क्या है, सबसे सी है। तो यहाँ पर आपको दिए हुए तो चार होने चाहिए थे बट तीन ही दिए हुए, पर अपने को हाईएस्ट एनर्जी पूछा गया तो लीस्ट स्टेबल अपन कंसिडर करेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.